तो हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज अभी बज रहे हैं, अभी टाइम हो रहा है दोपहर के, मतलब 12:30 का टाइम हो रहा है और ऑलमोस्ट कुछ नहीं बाकी। इधर पर मम्मी खाना खा रही हैं अभी, ये देखो आराम से बैठ के, और मैं जस्ट अभी उठाई हूँ और मैं अपने मन में मतलब अभी प्लान भी कर रहा था यार कि मेरे को ना दिल्ली जाना है, मम्मी को लेकर भी जाना है। अब परेशानियां तो हैं बहुत, क्योंकि मम्मी को पहले हॉस्पिटल लेकर ही जाना होगा, उसके बाद ही मैं सोचता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना, है ना। वो तो आपको कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा, जो भी होगा वो तो पता चल ही जाएगा, जाता हूँ या नहीं जाता हूँ। बाहर भी क्या दिखाऊँ आपको, बाहर तो इधर पर खत्म है। तो पहले मैं हाथ मुंह धोता हूँ, फ्रेश फ्रेश होता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। ओके, तो ये देखिए दोस्तों बाहर का मौसम है कुछ इस तरीके का। मम्मी ने खाना खा लिया, मम्मी अब आराम से वॉशरूम से आई है। मम्मी वॉशरूम बहुत जाती है भाई, उसकी वजह से ना डायबिटीज शुगर की वजह से शूशू बहुत आता है मम्मी को, बाहर बहुत जाती है। और इधर का मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर का माहौल, ये देखो एक बार फिर। आज तो कोई कुत्ता भी नहीं है, गेट खोल के दिखाता हूँ आज। ये देखो सिर्फ ये है एक, ये छोटा बच्चा छोटू सरदार जी हमारे, ये पटाखे वटाखे फोड़ता रहता है, ये देखो यही फोड़ रहा है। और बाकी तो इधर देखो आज धूप अच्छी खिली हुई है भाई, बाहर तो इस तरीके का। देखो ये अकेला ही मस्ती कर रहा है, देख के चला गया। तो चलते हैं हम भी अंदर भाई, गेट करो क्लोज। तो ओके गाइस, अब मैं लेने आया अपना खाना, देखता हूँ खाने में क्या है। यहाँ पर ये भाई ये तोरी की सब्जी है, ये हमारे खेत है आदि साहिलोर के घर पर ना, तोरी मतलब वो जो छोटा सा उन्होंने खेत लगा रखा है वहीं से तोरी लेकर आए थे, ये वही तोरी बनी हुई है। और वही मम्मी ने बचा रखा होगा, और रोटी है। तो मैं लेता हूँ पहले खाना अपना, डालता हूँ और चलो खाना खाते हैं पहले। चलो चलो चलो, तो ओके डन भैया, अपना खाना हो चुका है स्टार्ट। ये थोड़ा रोटी का बाइट, ये देखो आप लोगों के लिए भी, अगर आप लोग इनको खाना है तो आपको आना पड़ेगा हमारे पास। तो अब खाते हैं इस बाइट को, ले ओ, दिख रहा है कितनी अच्छी है। मजा भूख में यार, सब कुछ मजेदार लगता है भाई। पहले मैं फटाफट खा के फिनिश करता हूँ खाना। तो गाइस खाना वाना खा चुका हूँ, देखो बाहर निकला हूँ थोड़ा सा, शाम हो रही है और आप देख सकते हो अभी तक मतलब इधर सेम ही रहता है, इधर पर कोई कुछ नहीं रहता यार, मतलब इधर उधर सारी जगह। और देखिए गाइस वहाँ पर ना दूर 2-3 दिन हो गए, देखो मैं आपको जूम कर रहा हूँ, ये ना एक डॉगी मरा हुआ है, कहाँ दिखाऊँ, ये तो, और इसको ना कोई उठाने वाला नहीं है, इतनी मतलब ऐसी कॉलोनी है बस, ऐसे ही बस लोग सिर्फ अंदर ही अंदर रहते हैं, कुछ काम वाम करने के हैं नहीं। इससे अच्छा तो हमारी लोकल कॉलोनियाँ होती हैं, इतनी देर में तो उठवा भी देते। चलो ठीक है मैं चलता हूँ अंदर अब। तो ऐसे हाल है भाई इधर के। ओ हो पटाखे, अभी जैसे ही मैं आ जाता हूँ बाहर दिखाने जाता हूँ तो कुछ नहीं होता, और जैसे ही अंदर आता हूँ तो छोटे बच्चे पटाखे फोड़ने लगते हैं। बचे हुए दिवाली के जो पटाखे होते हैं वो बाद के दिन में फोड़ना, वो भी एक अपने आप का ही मजा है। तो देखा दोस्तों इधर पे कुछ भी होता रहता है, कहीं पे भी कुछ भी पड़ा रहता है, कोई नहीं मतलब
किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है, मतलब एक दूसरे का मुंह देखेंगे। अबे इन्फेक्शन फैल जाए क्यों भाई, इतनी देर में तो उठवा उठू के फेंकवा दो, किसी को भी कॉल कर दो। हमारे इधर तो जैसे जो भी आपका कंटेनमेंट है उधर पे कॉल कर दो। तो भाई आप लोगों की दिवाली विवाली कैसी गई कमेंट करके बता दिया करो यार, कमेंट कर दिया करो और प्लीज लाइक कर दिया करो यार, वीडियो को देखते हो तो प्लीज लाइक कर दिया करो, क्या जाता है यार, प्लीज दोस्तों लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, क्योंकि मेरे को इस व्लॉग को अभी के अभी अपलोड करना है। तो आप अभी देख रहे होगे ना, कुछ मतलब आधे एक घंटे पहले ही मैंने अपलोड किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।